नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश में मॉनसून का प्रभाव फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है, क्योंकि मॉनसून ट्रफ समेत अन्य सिस्टम प्रदेश से दूर है। इसी वजह से राज्य में भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बिजली के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजधानी भोपाल में सुबह से ही धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पन्ना, सतना, चित्रकूट, मेहर, रीवा, डिंडोरी, अनूपपुर, अमरकंटक, शहडोल और बाणसागर बांध पर बिजली के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा छतरपुर, खजुराहो, सागर, दमोह, जबलपुर और भेड़ाघाट में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि कटनी, उमरिया, बांधवगढ़, सीधी, सिंगरौली, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, कला, ग्वालियर, मुरैना और देवास, इंदौर, धार, मांडू, झाबुआ जैसे क्षेत्रों में भी सुबह के समय बारिश हो सकती है। मौसम का मानसून की गतियों में तो बहुत कमी आई हुई है कि रेनफॉल ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं। और वर्तमान में सिस्टम अभी लो प्रेशर एरिया अपने उड़ीसा की तरफ से प्रदेश की तरफ अग्रसर है, उसके वजह से अगले 24 घंटे के दौरान तो अभी कुछ बारिश नहीं, लेकिन 30 तारीख से 30 से कम से कम 8 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। वह अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, पांडुना, छिंदवाड़ा है, और ये अगले दिन और बढ़ के फिर लगभग पूरी मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। और ऐसा है, लोकल राजधानी की बात करें तो राजधानी में दिन में मौसम खुला रहेगा, शाम तक कुछ गरज चमक की स्थिति के साथ हल्की बौछारें आ सकती है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।